लोक साहित्य और शिक्षा तय समय के अनुसार हमको दो घंटे का यह सत्र होना था, तो कोशिश करेंगे हम लोग कि दो घंटे के भीतर भीतर अपनी बात हम कह सकें। तो हम लोग इस सत्र को शुरू करें तो मुझे यूं लग रहा है कि जैसे हम इस सत्र को शुरू करेंगे बातचीत करेंगे क्या, लेकिन अभी हम सारे वक्ताओं से एक साथ एक अनुरोध कर रहे हैं। अभी बैठे बैठे हम अलग अलग लोग के लोग हैं, अभी फौरी तुरंत फौरन आपके दिमाग में लोक का कोई एक टुकड़ा, कोई एक गीत, कोई एक चुटकुला, कोई एक वो लाइन की कहानी, जो तुरंत कोई कहावत, कोई मुहावरा तुरंत अभी जो ध्यान में आ रहा है हम आप सबसे सुनेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत मैं अपने से ही कर देता हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरा घर बलिया जिले में है, तो बलिया जिला वाले कहते हैं कि बलिया जिला घर बात कौन बात के डर बात। तो बलिया जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। हाँ, अगर बलिया जिले मेरा घर है तो मुझे किसी से डरना नहीं, कोई डर नहीं। तो वो असर आपको दिखेगा जब मैं संचालन करूँगा। तो मैं दिवाजी से अनुरोध करूंगा। हाँ, अभी तो याद आया कुमाऊनी में एक कहावत है, तापते खान जल मरो, मतलब गरम गरम खाना है और भले ही जीभ जल जाए। तो कल जो चर्चा हो रही थी ये मीडिया नहीं, आजकल का इंटरनेट मीडिया, न्यू मीडिया, वही बात हो रही है। तुरंत तुरंत लिखो भले ही फिर जीभ जल जाए कुछ। क्या बात, एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव था अकलपुर, और उसमें एक आदमी रहता था, उसका नाम था राम लौटन, लेकिन उसको सब बुद्धू बुद्धू कहते थे। तो बुद्धू बुद्धू कहने से वो परेशान हो गया था कि मेरा नाम ये बुद्धू क्यों कहते हैं सब, मेरा नाम तो राम लौटन है। तो उसने निश्चित किया कि वो बहुत दूर चला गया, 80 कोस दूर, और वहाँ एक नदी बह रही थी जो लेकिन सूखी हुई थी। तो सूखी हुई नदी के बीच में उसने देखा कि ऐसी जगह है कि यहाँ वो अपनी एक मड़ई छाले और उसके बाद उसको कोई आएगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं, और वो रहने लगेगा। तो उसको ये पता नहीं था कि ये नदी में पानी आएगा तो बाढ़ में मड़ई बह सकती है। तो दो तीन संत लोग जा रहे थे, उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कविता में कहा कि तू बुद्धू, पूछा कि तू बुद्धू होगा, तुम बुद्धू हो क्या। तो उन्होंने कहा कि 80 कोस से छोड़ें गाँव, कैसे जानो बुद्धू ना। मित्रों, मैं स्वर में तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, स्वर अच्छा कभी नहीं रहा, लेकिन मैं जब पूर्वांचल सहित कोलकाता तक के जब गिरमिटिया मजदूर यहाँ से बाहर गए, अंग्रेज 1880 से लेकर 1916 तक जो माइग्रेट किए यहाँ से फिजी सुरीनाम और वहाँ गए, पर एक मार्मिक गीत है, वो दो पंक्तियाँ मैं यूँ ही गद के रूप में पढ़ दे रहा हूँ कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। मतलब वो लोगों को कलेक्ट किया जाता था कोलकाता के डिपो में, पहले कलेक्ट किया जाता था, फिर वहाँ से वो पानी के जहाज में जाते थे। तो औरतें गाती थी कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, जानी टिकसवा से पिया मोरे गई ले, पानी भर से टिकस गली जाए रे रेलिया बैरन। प्रेमवत जी ने कहा कि जब बलिया में पैदा हुए हैं तो डर किस बात का। तो मुझे भी ये कहना है कि अगर हिम्मत वहाँ है तो पहाड़ ले बहुत शिथिल नहित रहे, पहाड़ ले ज्यादा पितिल नहित रहे। मजे कहता हूँ इसको समझा ही नहीं। उनका यह है कि पहाड़ भी ज्यादा पतला नहीं है और ज्यादा आसान नहीं है। वो तो मैं भोग रहा हूँ। ध्यान रखिए।
तो हम जिस लोक पर बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो लोक का संबंध सामान्यतः गांव समाज से माना जाता है। और भारतीय संस्कृति की यह विशेषता रही है कि वह गांव से शहरों की ओर अग्रसर। लोक और लोक साहित्य में हमारा बहुत सारा ज्ञान मौजूद है, लेकिन आधुनिक शिक्षा की संस्कृति में लोक ज्ञान और स्कूली ज्ञान के बीच का फासला बढ़ गया या हम काफी दूर होते चले गए अपने लोक से। इसके साथ ही लोक और जन को लेकर भी बहसें होती हैं। पिछले 2-3 दशक से नीतिगत दस्तावेज इस बात की पैरवी करते हैं कि स्कूल की पाठ्यचर्या में स्थानीय ज्ञान व लोक भाषा का समावेश होना चाहिए। लोक और जन के सरोकारों को समझते हुए इसके औपचारिक शिक्षा से जुड़ाव दुराव पर संवाद आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता महसूस की जा सकती है। शिक्षण के मायने में इसे कैसे देखा जाए, कैसे बरता जा सकता है, इस बात पर बहस बतकही करना नितांत आवश्यक समझा जा रहा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों के इर्द गिर्द हम अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। लोक और जन का एक फिर क्या है मामला है। शुक्रिया आपका। यह सवाल बड़ा सवाल है, लोक और जन और लोक। जैसे तुलसीदास के यहाँ लोकमंगल का कवि उनको कहा जाता है, और लोक भी सबका लोग अलग अलग है। उनको लोकमंगल का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो लोक को लेकर के जो उनकी एक समझ है वो वही नहीं है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। मोटे तौर पे कि जो तुलसीदास जिस लोक से जोड़े जाते हैं वह लोक है शिक्षित लोगों का लोक, जो कि हम लोक साहित्य और लोक भाषा के लोक की जो बात करते हैं वो बहुत कुछ उससे मतलब जुड़ा हुआ भी है और जुड़ा हुआ नहीं भी है। वो शास्त्रीय और जो शास्त्रों से मर्यादित लोक है, तो ये तुलसीदास का लोक जिसके लिए लोक की बात की जाती है। और जहाँ तक जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जब लोक कहते हैं तो एक अलग लोक है, वो अशिक्षितों का लोक है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के लोक के जो आइकन कवि बनते हैं वो कबीर हैं, रामचंद्र शुक्ल के लोक के जो कवि बनते हैं वो तुलसीदास हैं। तो दोनों का अंतर है ये, जब तुलसीदास से बात होती है लोक को लेकर के तो वहां पर शास्त्रीय मानकीकरण हावी है, और जब लोक को लेकर के कबीरदास की हम बात करते हैं तो वहां पर जो लोक संवेदना है उसका ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। और ये फर्क लोक और शास्त्र का जो है वो हिंदी आलोचना में भी रहा है, तो वो अलग बात है, मैं उस पर ज्यादा न जाके अब सीधे जन शब्द जो आपने कहा है, लोक और जन इन दोनों शब्दों में अंतर है। जन शब्द का मतलब लोक से सीमित है, और लोक शब्द का मतलब ज्यादा व्यापक है। इसे मैं और तरीके से समझा रहा हूं आपको। जैसे हम लोक साहित्य कहते हैं तो लोक साहित्य में ज्यादा समावेशी है, हर तरह का व्यक्ति और हर तरह का जो साहित्य है वो लोक साहित्य में है। लेकिन जो जन साहित्य कहते हैं उसका एक खास मतलब है, और उसका मतलब होता है समाज में बदलाव को लेकर के, समाज में एक परिवर्तन की जो चेतना को लेकर जो लिखा जाता है वो जन साहित्य होता है। और ये अर्थ जन के साथ जुड़ा हुआ अर्थ जब जो राजनीतिक आंदोलन जो हुआ है समाज में बदलाव का, खास करके मार्क्सवाद के आने के बाद जन नाट्य संघ, जनवादी लेखक संघ, तो इससे जो जन को अर्थ मिलता है वो अलग अर्थ हो जाता है लोक के अर्थ से। मोटे तौर पर सारे लोक कवि जन कवि नहीं है, लेकिन जो जन कवि है वो लोक के कवि में खप जाएंगे। जैसे लोक के एक कवि है जुमई खान आजाद, प्रतापगढ़ के हमारे यहाँ के, उनकी एक कविता है, लोक के कवि हैं लेकिन उनकी कविता है जो कि जो है जनगीत के तौर पर गाई जाती है, लेकिन वो लोकगीत है। और वो कविता है कि बड़ी बड़ी कोठियां उठाया पूंजीपतिया, और दुखिया के रोटिया चुराए चुराए, और अपनी महालिया में करे उजियरवा, बिजुरी के रडवा जलाए जलाए।
तो ये उनकी कविता है। बाद में कहते हैं कि कहीं बने भिटवा, कहीं बने गढ़ही, कहीं बने महला, कहीं बने मढ़ही, दुखिया के दियना तू ही तो बुझवाया, सोनवा के बिनवा डोलाए डोलाए। तो ये लोग के कवि हैं। और बाद में फिर कहते हैं कि बिना कटे हिटवा गढ़िया न पटी हैं, अपनी खुशी से धन धरती न बटी हैं, जनता के तलवा महलिया पे लगी हैं और महलिया पे कब्जा हुई बजना बजाए बजाए, इस तरह कविता है। अब ये लोग के कवि हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये उनकी कविता जन कविता है, उसमें खप जाएगी। लेकिन लेकिन उसी लोक कविता में, लोक कवियों ने अलग तरह की रचनाएं की हैं, जैसे वीरा की, प्रेम की, श्रृंगार की, अब वो हम जन कविता नहीं कहते हैं। जैसे महेंद्र मिश्र लोक के कवि हैं, लेकिन जब वो रचना लिखते हैं कि अंगुली में डस ले पिया नगिनिया रे, ए मन जी दियरा जरायदा, दियरा जरायदा अपने भैया के बलायदा, नस नस उठे ले लहरिया रे, ए मन जी दियरा जरायदा, तो अब ये जन कविता नहीं है और वो जन कवि नहीं है। तो ये लोक कवि और लोक का और जन का अंतर है। मुझे लग रहा है ये बात फिर वही रामचंद्र शुक्ल से थोड़ी जुड़ती है, जब वो कहते हैं कि जनता के संचित चित्रवृत्तियों का, जनता के चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। और एक जगह वो जनता को शिक्षित होने से जोड़ते हैं, तो क्या ये उस तरफ का इशारा है? देखिए, एक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शुक्ल जी के हिसाब से जन शब्द यहाँ परिभाषा पा रहा है, लेकिन मैं ये कहने का की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जन और जन कवि हम कहते हैं तो उसका एक मतलब कुछ खास तरह के लक्षणों को पूरा करने वाली कविता से और लक्षणों को पूरा करने वाले कवि से होता है, और जन शब्द कहते हैं तो उसका ही मतलब वही होता है, और उसका समाज में परिवर्तन और परिवर्तन की इच्छा। शिक्षित, हर शिक्षित का लिखा गया साहित्य या शिक्षित वर्ग द्वारा लिखा गया साहित्य जरूरी नहीं है जन साहित्य कहा जाए। तो ये अंतर जो जन का है और लोक का है या शिष्ट का है, वो इससे तय नहीं हो रहा है उसके कि शिक्षित द्वारा लिखा जा रहा है या नहीं, खास करके यहाँ लोक वाले जो है, जो आपने सवाल पूछा है उस हिसाब से।